Hi everyone. Hi everyone. Hi everyone. Hi Meenakshi. Hi Prasanna. Hi everyone. Let's wait for 30 seconds more. Let some of the people join in, then we'll start. Hi Babita. Hi Neeta. Hi Pooja. Hi everyone. Hi. Hi. Okay, so now lots of people are here. So today we are making potato mac pot with arancini balls. So abhi hum start karte hain with that because we have two recipes and we have only 30 minutes. Okay, hi everyone. Hi Vinod, Tushar, Seema, everyone. Hi. Okay, let's begin with the recipe. सबसे पहले हम ले रहे हैं एक pot. कोई भी शेप का पॉट ले सकते हैं आप, कोई भी शेप का बॉल ले सकते हैं. आई एम टेकिंग द राउंड वन, और आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई भी जो भी आपको बेटर लगे और जो जिसमें आप बेक कर सकें इजीली. हाय सोनिया, हाय सानी, हाय मंजीत, हाय एवरीवन. ओके, सो सबसे पहले पोटैटो मैक पॉट के लिए हम इसमें डालेंगे मैकरोनी, जो कि पास्ता की ही एक फॉर्म है. आप कोई भी मैकरोनी यूज़ कर सकते हैं, लाइक कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं, पेने, स्पेगेटी, एनी वन. और ये कुछ इस तरह से है. इसमें डिफरेंस ये है कि हमने इसे, कैन यू ऑल हियर मी, कैन यू ऑल हियर मी, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस, प्लीज जस्ट गिव मी अ थम्स अप. ओके, सो एम आई ऑडिबल टू यू गाइस, कैन यू प्लीज जस्ट चेक इट आउट वंस. ओह थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सोनिया. ओके, सो वी आर यूजिंग मैकरोनी इन दिस, और इसको मैंने सबसे पहले पानी में वॉश किया है, गर्म पानी में. आपको गर्म पानी लेना है, उसमें आपको इसको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि हमें इसे पानी में बॉयल नहीं करना है, हमें इसे दूध में बॉयल करना है. तो मैंने पहले इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश किया, इसका स्टार्च सब निकाल दिया था, फिर मैंने इसे गर्म दूध में बॉयल किया है, लाइक ऑफ कोर्स गर्म दूध में. और उसके बाद ये कुछ थोड़ा वाइट फॉर्म में आ गया एंड थोड़ा चीज़ी हो गया, एंड उसके बाद मैंने इसमें अमूल मोज़रेला चीज़ ऐड किया था. ओके, नाउ इज इट क्लियर, आई विल जस्ट मेक इट लाइक दिस. ओके, सो सबसे पहले जो मैंने मैकरोनी बॉयल की थी उसको मैंने दूध, पहले मैंने ठंडे पानी से वॉश कर लिया, गर्म पानी से वॉश कर लिया बहुत अच्छे से, फिर मैंने इसे दूध में बॉयल किया है, एंड एट लास्ट मैंने इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड किया था फर्स्टली. और हम सबसे पहली लेयर इसी की लगाएंगे मैक पोटैटो बॉल में. अभी ये लास्ट में बेक होने के लिए जाएगा. ओके, सो गाइस टुडेज रेसिपी इज पोटैटो मैक पॉट विद अरंचिनी बॉल्स. ये थोड़ा चीजी है क्योंकि हमने इसे दूध में बॉईल किया है. हम इसको अच्छे से फ्लैट कर देंगे. कैन यू ऑल सी? ओके, इज इट ओके? मैंने इसे कुछ इस तरह से प्लेस कर दिया है एक पॉट में. इसके बाद हम इस पे डालेंगे कुछ मोज़रेला चीज़. मैं अमूल मोज़रेला चीज़ ही यूज़ कर रही हूँ. मैंने इसको ऑलरेडी ग्रेट करके रखा हुआ है, वैसे ग्रेटेड भी आ रहा है,
बट आई हैव ग्रेटेड इट. मेरे पास नहीं था, मुझे ग्रेटेड नहीं मिला. कैन यू ऑल सी? ओके, कैन यू ऑल सी? इज इट फाइन नाउ? मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर दिया है. प्लेन मिल्क में आपको बॉइल करना है इसको मौलिक जी. आफ्टर दैट मैंने कुछ ब्रोकली एंड मशरूम्स, जिसे कि मैंने बटर में सॉटे किया है, अमूल बटर में, एंड साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें गार्लिक डाला है पहले. उसके बाद मैंने कुछ ब्रोकली एंड कुछ मशरूम्स हैं जिसको मैंने सॉटे किया है. यू कैन सी ओके. सो अब हम इसका एक लेयर लगाएंगे. गाइस डेफिनेटली मैं आपकी क्वेरीज लूंगी. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जस्ट ड्रॉप इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड वी हैव टू रेसिपीज. Can you all see? अगर आपके पास डोंट वरी गाइज, अगर आपके पास ब्रोकली नहीं है, मशरूम्स नहीं है, आप कोई भी वेजेस डाल सकते हैं. आप बेल पेपर्स का यूज कर सकते हैं, बट रिमेंबर दैट कि आपको उसे गार्लिक में सॉटे करना है. नो, दिस रेसिपी इज नॉट येट अपलोडेड बाय मी और आई हैव नॉट सीन एनी वेयर. बट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा ऊपर. सब्स्टिट्यूट ऑफ मशरूम इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट टू. एंड अगर आप मतलब मशरूम्स नहीं भी हैं तो आप बेल पेपर्स या चीज, सोया पनीर, व्हाटएवर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. देन आफ्टर दैट हम इस पे डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स. यू कैन सी? कैन यू ऑल सी? ओके, सो अब हम इस पे डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स. इससे क्या होगा कि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा एंड व्हेन यू विल बेक इट आफ्टर दैट, व्हेन यू विल हैव इट ना, तो इट विल लुक लाइक यू नो अमेजिंग. After that, add some more cheese. Cheese actually spoon से spread ही नहीं हो रहा है अच्छे से. So I'm doing it with my hands only. Can I get that tissue? Okay. Can you all see? रेसिपी इज पोटैटो मैक पॉट गाइस. ये आप इट्स अ काइंड ऑफ पॉट मील, आप कभी भी बना सकते हैं. आपके घर पे कोई भी पार्टी है, कुछ है, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वेजिस. ओके, मैंने कुछ पोटैटोज लिए थे, उसे मैंने बॉयल कर लिया है. अगर आप बेक करना चाहें आप बेक भी कर सकते हैं, अगर आप फ्राई करना चाहें आप फ्राई भी कर सकते हैं, बट मैंने इसे बॉयल किया है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट सच ऑयल इन माई डिश, क्योंकि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ ऑल दैट. सो आप इस तरह से उसे काट लेंगे आफ्टर बॉयलिंग. आपको फुल्ली बॉयल नहीं करना है इसको, लाइक हाफ डन करना है. हाफ डन से थोड़ा ऊपर कर सकते हैं आप, 70-80%. उसके बाद यू हैव टू प्लेस इट ऑल ओवर. लाइक दिस.
आपको इसको स्किन के साथ ही रखना है, इसकी स्किन रिमूव नहीं करनी है आपको, बट रिमेम्बर दैट आप पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए जब भी आप इसको बॉयल करने लगें। गाइज आपकी जो भी क्वेरीज होंगी ना तो प्लीज आप दिस कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, आई विल चेक इट आउट लेटर ऑन। ओके इट्स ऑल डन नाउ, कैन यू ऑल सी, हमने पोटैटोज भी लगा दिए हैं। डोंट वरी, अगर आप लोगों ने लेट भी ज्वाइन किया है यू कैन वॉच इट लेटर एज वेल, ये रहेगा अमूल के पेज पे। इफ यू वॉन्ट टू यू कैन पील पोटैटोज बट आई डोंट थिंक सो, इट विल टेस्ट गुड विद द स्किन। ओके एंड आफ्टर दैट हम फिर से इस पे चीज लगाएंगे बेक करने से पहले, अमूल मोज़रेला चीज, रिमेम्बर दैट। आप इसमें प्रोसेस चीज यूज नहीं करेंगे, इसमें आप मोज़रेला चीज ही यूज करेंगे। ओके कैन यू ऑल सी, इट्स डन एंड एट लास्ट विल एड सम चिली फ्लेक्स और ओरिगानो, सम सॉल्ट एंड सम ब्लैक पेपर टू इट। लेट मी क्लीन माई हैंड्स फर्स्ट। ओके एनी क्वेरीज, शुड आई टेक सम? यस इट इज सो मच चीज, यू कैन यूज लेस, यू कैन यूज डाइस चीज, बट इफ यू यूज ग्रेटेड तो आपको इसको मेल्ट होने में बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये ऑल ओवर स्प्रेड हो जाएगा, बिकॉज जो प्रोसेस चीज होता है उसमें इतना स्ट्रेच नहीं आएगा, लाइक इतना वो नहीं रहेगा, लाइक स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल, लाइक यू कैन कॉल दैट। ओके गाइज जस्ट लीव योर क्वेरीज देयर, विल चेक इट आउट लेटर। फिर से आप इस पर थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट। ओके एंड देन विल ऐड सम चिली फ्लेक्स टू इट। एंड वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, जब आपने मैकरोनी बॉयल करना है तो आपको उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी यूज करना है। Now we'll use oregano. Yes, you can call it cheese overloaded as well. At last, we'll add some salt to it, just like this. Always use salt with your hands. अगर आप स्पून से डालेंगे उसे तो कहीं वो ज्यादा चला जाएगा एंड कहीं कम। Okay, so have you all seen this? So this is the first recipe of the day and now we'll make arancini balls. Abhi hum isko baking mein dal rahe hain, after that I'll show you. Just for 5 to 7 minutes. We'll bake it for 7 to 8 minutes kyunki isme jo bhi humne ingredients ya jo bhi cheeze use ki hain they are already 70 to 80% done. To hume itna time enough hai bake karne ke liye. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट रेसिपी एंड अभी मैं एक मिक्सिंग बॉल ले रही हूं। अब हम बनाएंगे अरंचिनी बॉल्स। दैट वॉज अ पोटैटो मैक पॉट, या दीज आर बॉइल्ड पोटैटोज। ओके सो इसमें हम यूज करेंगे
विल यूज बॉइल्ड राइस. ये एक्चुअली जो अरंचिनी बॉल्स हैं ये एक इटालियन स्नैक है और मोस्टली वो जब बनाते हैं तो वो इसमें नॉन वेज यूज करते हैं एंड जो भी लाइक उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग. बट वी आर मेकिंग अ वेज फॉर्म ऑफ दिस एंड वी आर मेकिंग अ वेज फॉर्म ऑफ दिस. तो हम इसमें बॉइल्ड राइस यूज कर रहे हैं जस्ट विद द वेजीज. क्वांटिटी आप एक कप राइस ले लीजिए एंड उसको बॉईल कर लीजिए. फिर आप इसको ड्रेन करिए एंड थोड़े कोल्ड वाटर से वॉश कर लीजिए. सी आई एम यूजिंग. आफ्टर दैट वील यूज येलो बेल पेपर. आपके पास जो भी वेजीज अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं बट बेल पेपर्स की एक फॉर्म आपके पास होनी चाहिए. या तो आप ग्रीन बेल पेपर, रेड या येलो कोई भी. अगर आपके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेल पेपर्स अगर आपको अवेलेबल हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज वो ही इसका टेस्ट फॉर्म करेगा. ओके, टेम्परेचर 180 डिग्री पे आपको पोटैटो मैक पॉट को बेक करना है फॉर 7 to 8 minutes. ओके, अब हम डाल रहे हैं येलो बेल पेपर. आफ्टर दैट वी आर यूजिंग रेड बेल पेपर. अब हम यूज कर रहे हैं बॉइल्ड पीस इसमें. आप याद रखिएगा कि आपको बॉइल्ड ही यूज करने हैं इसमें. अगर वो कुक्ड नहीं होंगे तो वो टेस्ट जो होगा वो लाइक रॉ आएगा उसमें. जो भी आप बॉल्स बनाएंगे अभी विल जस्ट मिक्स इट. गाइस, जो भी क्वेरीज हैं आई विल डेफिनेटली चेक इट आउट. बट मैंने बहुत अच्छे से हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. और आपको कोई भी कुछ भी मेरी किसी भी रेसिपी के बारे में पूछना है आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. So now we are adding breadcrumbs. 2 spoons are enough. Breadcrumbs हम इसलिए add कर रहे हैं क्योंकि ये इसको बहुत अच्छे से bind कर देगा जब हम इसकी balls बनाएंगे. तो I am Reema Arora. Sorry, I forgot to tell you my name, guys. After that, we'll add some chili flakes, some black pepper, some oregano. You can add it according to your taste. At last, we'll add some of salt. We'll mix it all together. It's given there, guys. Otherwise, I'll definitely post it in the comment section. It's Reema's Food Walk. You can write Reema _ Food Walk. FOODWALK. ओके, सो हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है. मैंने ऑलरेडी एक मिक्सचर रेडी किया था जिसे मैंने बहुत अच्छे से, आपको इसको स्पून से तो करना ही है बट एट लास्ट आपको हैंड भी यूज करने पड़ेंगे. बट बिफोर यूजिंग योर हैंड्स प्लीज वॉश योर हैंड्स.
Okay, so we have gone with the potato mag pot and now we are making arancini balls. Guys, you can watch this later on as well. ये यहीं पे रहेगा अभी वीडियो फॉर सम लाइक फॉर मच टाइम. या यू आर करेक्ट रीमाज रीमाज एस एस वुड बी देयर आर डबल ई एम ए एस अंडरस्कोर फूड वॉक. सो नाउ विल यूज दिस और हमें चाहिए अमूल प्रोसेस चीज. हमें इसमें चाहिए अमूल प्रोसेस चीज जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है. विल जस्ट टेक अ स्कूप स्कूप ऑफ इट. फिर आपको इसे हैंड से शेप अप करना है. देन आपको फ्लैटन करना है इसको. एट लास्ट आपको इसमें चीज की क्यूब्स ऐड करनी है. आप दो चाहे दो ऐड कर सकते हैं. कम चीज पसंद करते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं. देन वी हैव टू कवर इट लाइक दिस. इट्स रीमाज फूड वॉक नॉट वॉक्स. आई थिंक इट्स गिवन देयर बाय किट्टी विरमानी अरोड़ा. या इट्स करेक्ट. We'll make some balls with this. I'll just keep it here. This is arancini balls and इससे पहले जो हमने बनाया that is potato mag pot. आपको जरूरी नहीं है कि आपको लाइक आप इसमें लेफ्ट ओवर राइस भी यूज कर सकते हैं. कभी भी अगर लाइक आपने राइस बनाया है तो ऑब्वियसली राइस तो बनते रहते हैं घर पे एंड बच भी जाते हैं यूजुअली. तो इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है आई थिंक सो बिकॉज ये बच्चों को भी पसंद आएगा. नो इट्स अंडरस्कोर रेखा जी. इट्स अंडरस्कोर रीमाज फूड वॉक. Thank you guys. अब हमने दो बॉल्स एक बार बना के रेडी कर लिया है. नो आई जस्ट शो दिस वन ना. एंड मैंने बनाया यहाँ पे कॉर्नफ्लावर स्लरी. आपको इट्स नॉट अ कॉर्नफ्लावर स्लरी एक्चुअली इट्स अ फ्लावर स्लरी. आपको मैदा लेना है एंड मैदे में आपको थोड़ा पानी डालना है एंड पानी इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि ना तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो पेस्ट और ना ही बहुत ज़्यादा पतला. उसके बाद आपको ये बॉल्स को इसमें डिप करना है बहुत अच्छे से क्योंकि ये बाइंडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर हम इसको डिप कर देंगे बाइंड करेंगे तो उससे क्या होगा जब भी हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा. या इट्स रीमाज फूड वॉक. यू आर करेक्ट. दीज आर अरंचिनी बॉल्स. इट्स एन इटालियन स्नैक. थैंक यू. नाउ विल डायरेक्टली डिप इन टू द ब्रेड क्रम्स. You can see. Guys, ये बहुत ही easy recipe है specially for the moms. These are arancini balls. और वैसे भी अगर कोई भी घर पे get together है तो आपको बहुत ज्यादा special ingredients की जरूरत नहीं है. You just need some veggies, boiled rice and some cheese to insert, of course, to fill in that. Okay. सो वी आर डन विद दिस. हमने बॉल्स बना ली हैं तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे.
मैदा में आई हैव यूज वाटर इन दैट, मैदा एंड वाटर. गाइज ये वीडियो अभी रहेगा आपके, यू कैन वॉच इट लेटर एज वेल, यहीं पे रहेगा अभी ये अमूल के पेज पे. थैंक यू सो मच. आप मैक पॉट अगर आपने मिस कर दिया है रिद्धि जी, यू डोंट नीड टू वरी, आप इसको लेटर ऑन चेक कर सकते हैं. थैंक यू मीना जी, थैंक यू चारू, थैंक यू दिवांश, थैंक यू एवरीवन. इज इट दैट ओके? सो मैंने मैक पॉट एक पहले भी रेडी किया था जो ऑलरेडी मैंने बेक करके रखा है. अगर वो अभी विद इन टू मिनट्स बेक हो जाता है अच्छे से, आई शो यू दैट, बट यू कैन चेक दिस वन एज वेल. आपके घर पे कोई भी बर्थडे पार्टी है, कुछ भी है, आप इजीली बना सकते हैं. एंड दीज आर सुपर इजी एंड यमी रेसिपीज. आई डोंट नो गाइस व्हेन आई विल कम नेक्स्ट, बट यस ऑफ कोर्स एज सून एज पॉसिबल. We have 5 more minutes, we can talk. If you have any queries, you can drop here. No need to worry, Meena ji, you can check it out. It will be there on the page. I'll show you. Okay, is it done? Just give me 1 second. I have to go there to fry the... golden brown we have to do. I don't do live on Insta, but definitely I post my recipes there. In fact, videos as well as written recipes. Yes, you can use cheese, and we have used cheese in both the recipes. In one we have used processed cheese and in one we have used mozzarella. Thank you Divya ji. If you want more recipes, you can follow on my Instagram account. No, I think you should go for Amul cheese because yeah, definitely, why not? We'll go with that. We'll try to go with that, the jacket potatoes. But we have done one potatoes recipe today. Okay, so मैं आपको एक small description फिर से दे देती हूँ because lots of people are demanding. हमने सबसे पहले मैकरोनी का layer लिया था इसमें pot में, and नीचे हमने जो मैकरोनी का layer दिया था, हमें मैकरोनी को boil किया था. पहले हमने गर्म पानी से उसको wash किया था, फिर हमने उसे दूध में बॉईल किया था. एंड व्हेन यू आर बॉइलिंग, जब वो लास्ट डन हो जाता है, तो उसके बाद आपको उसमें थोड़ा सा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर ऐड करना है एंड थोड़ा सा मोज़रेला चीज, सो दैट वो थोड़ा चीजी रहे एंड लाइक ड्राई नहीं हो. उसके बाद हमने वो लेयर लगाया. आफ्टर दैट हमने एक वेजीज का लेयर लगाया था, जिसमें मैंने अमूल बटर में गार्लिक एंड गार्लिक ब्रोकली एंड मशरूम्स को मैंने सॉटे किया था जस्ट फॉर 5 to 6 minutes. उसके बाद हमने उसका एक लेयर लगाया था, फिर हमने थोड़ा चीज स्प्रेड किया था उसके ऊपर, मोज़रेला चीज. उसके बाद हमने उसमें पोटैटोज का लेयर लगाया था. पोटैटोज हमने बॉइल्ड यूज किए हैं, आप चाहें तो बेक भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो बेक भी यूज कर सकते हैं, बट हमने बॉइल्ड पोटैटोज यूज किए हैं. हमने वेजेस की शेप में उनको कट किया है एंड वी स्प्रेड इट ऑल ओवर. उसके बाद हमने उसके ऊपर ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड लॉट्स ऑफ मोज़रेला चीज हमने वो स्प्रेड किया. एंड हमने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स भी स्प्रेड किए थे जस्ट फॉर द क्रिस्पीनेस वी नीड इन दैट बॉल, क्योंकि जब हम इसको खाएंगे तो उसमें जो क्रिस्पीनेस आएगी वो बहुत लाइक यू विल लव दैट एंड एवरीवन विल लव दैट इन योर होम. तो उसके बाद हम इसको एट लास्ट बेक करेंगे 6 to 7 minutes के लिए इन ओटीजी एट 180 degree.
एंड फिर हमने बनाए थे ऑरेंज चिली बॉल्स, जिसमें हमने यूज किए थे बॉइल्ड राइस. एंड आफ्टर दैट वी यूज रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर. नो इट्स नॉट डन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई एम गेटिंग दैट बॉल्स, फ्राइड बॉल्स. If you make it, Shreya ji, if you make it in white sauce and firstly you will boil it, तो आपको वो taste नहीं आएगा जो taste आपको चाहिए इस potato ball में, because एक milk में boil करना and एक पानी में boil करना, it's a lots of difference in that. And दूध हर किसी के घर पे होता है, it's not at all unhealthy recipe or unhealthy bowl. Potatoes are healthy. Rice, macaroni you can have if you don't want, like you can use a semolina का macaroni भी आजकल आ रहा है market में, तो आप वो भी use कर सकते हैं. Okay, just give me, I'll just show. I think the time is over. It's fine. We are done with the balls as well. You can see. It's okay, Divya ji. You can check it later on as well. ये video रहेगा यहाँ पे. You don't have to worry. Thank you so much. अब हम इसको cut करके भी देख लेते हैं कि cheese कैसे लगता है इसमें आफ्टर, बिकॉज इट्स टू हॉट. अभी ये पूरा कंप्लीटली बॉइल, कंप्लीटली फ्राई हुआ नहीं है, बिकॉज माई ऑयल वॉज नॉट सो दैट हॉट एंड वी हैव लेस टाइम. सो नाउ वी आर डन विद द रेसिपी एंड प्लीज लेट मी नो गाइज, होप यू ऑल लाइक इट. And please let me know after making, you liked it or not. Yes, the link is given in the comment section as well, in the description as well. Reema's Foodwalk Instagram link. Hope you all guys like it. Bye. Take care. Have a great time. And please be safe, everyone. Bye.